सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सारे का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असं जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम चैनल के नवे हो तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल में सबसक्राइब करो तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हाई इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस नाल ही शुरू करते हैं जनरल साइंस पार्ट नंबर 7। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को और टॉपिक है बिजली धारा दे रसायनिक प्रभाव। बिजली धारा दे रसायनिक प्रभाव जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली थामा भरो। पहला प्रश्न है बिजली चालन करन वेले द्रव डैश ते डैश ते कोल हुंदे हन। बिजली चालन करन वाले जड़े द्रव है वो तेजाबां खारां अते लूणां दे कोल हुंदे हन। किसे कोल विच बिजली धारा लंघन ते रसायनिक प्रभाव पैंदा है। जे कापर सल्फेट दे कोल विचों बिजली धारा लंघाई जावे तां कापर बैटरी दे रिन टर्मिनल नाल जुड़ी प्लेट उत्ते जमदा है। अगला प्रश्न है बिजली धारा द्वारा किसे पदार्थ उत्ते इच्छित धात की परत चढ़ाने की प्रक्रिया नू बिजली मुलमाकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी टेस्ट दे सुतंत्र सिरिया नू किसे कोल विच डोबदे हाँ तो चुंबकी सुई विखेपित हुंदी है। कि तुसी अजिहा होण दे कारण दी व्याख्या कर सकते हो। इसका उत्तर है क्योंकि दिता गया कोल बिजली दा चालक है। अगला प्रश्न है अजिहे तीन द्रवां दे नां लिखो जिन्हां दा प्रेखण चित्र 14.9 विच दर्शाए अनुसार करन ते चुंबकी सुई विखेपित हो सकती है। तो इसका आंसर है जी सिरका नींबू दा रस अते टैंकी वाला पानी। नेक्स्ट चित्र है 14.10 विच दर्शाई गई व्यवस्था विच बल्ब नहीं चमकता। कि तुसी संभावित कारणों की सूची बना के अपने उत्तर की व्याख्या करो। इस केस दे विच जिहड़ा बल्ब है वह नहीं जग रहा। इसका उत्तर है कि बीकर विचला कोल बिजली का कुचालक हो सकता है, बैटरी खत्म हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, तारा दे जोड़ ढिले हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दो द्रवां ए अते बी दे बिजली चालन दी परख करन दे लई एक टेस्टर दी वरतों कीती गई है। यह वेख्या गया है कि टेस्टर दे बल्ब दा द्रव ए विच चमकीला प्रकाश होया जबकि द्रव बी दे विच बहुत ही हल्का प्रकाश होया। तुसी नतीजे कढ़ सकते हो द्रव ए ते बी तो चंगा चालक है। इसका ऑप्शन आ जाएगा जी द्रव जड़ा ए है वह द्रव बी तो चंगा चालक होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है कि शुद्ध पानी बिजली का चालक है, जे नहीं तो इस चालक बनाने लई असी की कर सकते हैं। शुद्ध पानी बिजली का चालक नहीं है, पानी विच कुछ नमक घोल के इसनू बिजली का चालक बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 है अग लगन दे समय फायरमैन पानी दे होज पाइपां दी वरतों करन तो पहला उस खेतर दी मुख्य बिजली सप्लाई नू बंद कर देंदे हन। व्याख्या करो अजिहा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है क्योंकि आम पानी बिजली दा चालक है, इसलिए बिजली दे संपर्क विच आउन ते फायरमैन नूं बिजली दा झटका लग सकता है। इसलिए फायरमैन पानी नाल अग बुझाउण तो पहला बिजली दी सप्लाई बंद कर देंदे हन।
प्रश्न नंबर 8 है, तटीय खेतर विच रहन वाले वाला एक बच्चा अपने टेस्टर नाल पीन दे पानी दे अते समुंदर दे पानी दा परीक्षण करता है। वह वेखता है कि समुंदर दे पानी ले चुंबकी सुई वधेरे विखेपन दर्शाती है। कि तुसी इस दे कारण की व्याख्या कर सकते हो? इसका उत्तर है क्योंकि समुंदर दे पानी विच वधेरे लून कुले हुंदे हन, इस लई वधेरे चालक होण करके समुंदर दा पानी चुंबकी सुई दा वधेरे विखेपन करता है। वर्खा समय किसी लाइनमैन दे लई बाहरली मुख लाइन दी बिजली तारां दी मुरम्मत करना सुरक्षित हुंदा है? व्याख्या करो। उत्तर है मीह दे पानी विच प्रदूषण दीयां बूंदां अशुद्धियां घुलियां होण करके मीह दा पानी बिजली दा चालक हुंदा है, इस लई लाइनमैन नूं बिजली दा झटका लग सकदा है। इस लई तेज वर्खा समय बाहर बिजली दा काम करना असुरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहेली ने सुनिया सी कि वर्खा दा पानी उन्ना ही शुद्ध है जिन्ना कि कशीदत पानी, इसलिए उस ने एक साफ कच दे बर्तन विच कुछ वर्खा दा पानी इकट्ठा करके टेस्टर नाल उस दे परीक्षण किते। उस नू इह वेख के हैरानी होई कि चुंबकी सुई विखेपन दर्शाती है, इसका कारण हो की हो सकता है? इसका कारण है कि मीह दा पानी शुद्ध हुंदा है, पर प्रदूषण करके मीह दे पानी विच अशुद्धियां तेजाब आदि दे रूप विच कुल जांदियां हन, जिस करके मीह दा पानी बिजली दा चालक बन जांदा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, अपने आले दुआले उपलब्ध बिजली मुलम्मित वस्तुओं की सूची बनाओ। उत्तर है कार दे कुछ भाग, बाथरूम दियां टूटियां, गैस बर्नर, साइकिल दा हैंडल, पहिए दे रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किरिया तुसी किरिया 14.7 विच वेखी है वह कापर दी सुधाई विच वरती जांदी है। एक पतली शुद्ध कापर छड़ अते एक अशुद्ध कापर दी छड़ इलैक्ट्रोड दे रूप विच वरती जांदी है, केड़ी इलैक्ट्रोड बैटरी दे धन टर्मिनल दे नाल जोड़ी जावे? कारण भी लिखो। इसका उत्तर है अशुद्ध कापर दी छड़ बैटरी दे धन टर्मिनल नाल अते शुद्ध कापर दी छड़ ऋण टर्मिनल दे नाल जुड़ जांदी है, क्योंकि कापर दे धन चार्जित आयन अशुद्ध छड़ तो शुद्ध छड़ दे कोल राही जा के लंघने हुंदे हन। नेक्स्ट साढ़े को आ गया 1 नंबर वाले बहु विकल्पी प्रश्न। फस्ट प्रश्न है, वीना ने पढ़िया है कि कुछ पदार्थ बिजली दे सुचालक हुंदे हन अते कुछ पदार्थ बिजली दे कुचालक हुंदे हन, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा पदार्थ बिजली दा सुचालक है? तांबा, चांदी, लोहा, ये सारे जड़े है बिजली दे सुचालक हन। प्रश्न नंबर 2 है, अज रोहित नू पता लग गया कि पुराने समय विच लोग एक जंतर नाल दिशा दा पता लगांदे सन, उस जंतर नू की कहंदे हन? उस जंतर नू कहंदे है जी चुंबकी सुई। प्रश्न नंबर 3 है, मनीष ने अज बिजली धारा दे वक्-वक् प्रभावां बारे पढ़िया, बिजली बल्ब बिजली धारा दे किस प्रभाव ते आधारित है? इसका आंसर है जी तापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता दी माता दी जी अज सोने
ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੋ ਵਾਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਮ ਮਕਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਮ ਮਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਵੇਖ ਕੇ ਧਰੁਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ LED ਬਲਬ। LED ਬਲਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸੈੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਛੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਉਸ ਛੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ? ਸਿਰਕਾ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਲਕ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਪੰਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਹਿ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਹੇਠਾਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਵਿਖਾਏ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਲੋੜੀ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਸਿਰਕਾ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਖੇਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ ਐੜਾ, ਬੱਬਾ, ਸ਼ਸ਼ਾ। ਤੋ ਇਸਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਚਾਲਕ ਬੱਬਾ, ਚੰਗਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਚਾਲਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਇੱਕ LED ਬਲਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੇਕਰ ਪੇਚਕਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਚਕਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਲਬ ਜਗ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਰੋਬਿਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕੇ ਦੇ ਰਿਮ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ
चढ़ी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, कॉपर सल्फेट दे कोल विच्चों बिजली धारा लंघाउण ते कॉपर बैटरी दे किस टर्मिनल नाल जुड़ी कॉपर प्लेट उपर तो जुड़दा है। इसका आंसर है जी रिन टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे दी प्लेटा दी बिजली मुलम मा कारण करन समय कापर सल्फेट दे कोल नू वधेरा चालक बनाउन लई इस विच कुछ बूंदा किस द्रव दियां पाईया जांदियां हन। इस आंसर है जी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक तेजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, चार विद्यार्थी हेठां विखाई क्रिया नू वक-वक द्रवा नाल करदे हन, किस विद्यार्थी नू चुंबकी सुई दा विखेपन विखाई देवेगा। इसका कि उमेश ने नींबू का रस, अशोक ने सिरके का रस ते सतेंद्र ने दूध। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अशोक अते उमेश दोनों नू नींबू का रस अते सिरका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा बिजली धारा दे चुंबकी प्रभाव का उपयोग है। इसका आंसर है जी बिजली घंटी बिजली घंटी। हेठ लिख विखाए चित्र विच एल ई डी का चित्र केड़ा है। एक दो नंबर तीन नंबर तो एल ई डी का चित्र है जी, नंबर तीन दे विच हो रहा है एल ई डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश दे पिता दी अज बाजार तो एल ई डी लैके आए हैं। राजेश ने नोट किया कि इस दी एक तार लंबी है जद कि एक तार छोटी है। एलईडी दी लंबी तार नू बैटरी दे किस टर्मिनल दे नाल जोड़े जांदा है। एलईडी दी लंबी तार नू बैटरी दे किस टर्मिनल नाल जोड़े जांदा है। इस आंसर है जी धन टर्मिनल दे नाल, धन टर्मिनल दे नाल जोड़े जांदा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 21, परी दे पापा ने उसनू दस्या कि हवा बिजली दी कमजोर चालक है, पर परी ने बारिश दे मौसम विच बिजली दी चमक नू तेजी नाल धरती वल वधदिया वेख्या कि उस समय बारिश नहीं हो रही सी, अजिहा किस कारण हुंदा है। हवा विच नमी दी मात्रा वध जान कारण, हवा विच नमी दी मात्रा वध जान कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मनीष अपने घर विच पक्के हुए भोजन दा भंडारण करना चाहता है, उस कोल हेठ लिखे अनुसार डब्बे उपलब्ध हैं, मनीष नू किस डब्बे दी वरतों करनी चाहिए है। नंबर एक है लोहे दी, तांबे दी, टिन दी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकां वस्तुआं जिवें कि कार दे कुछ भाग, बाथरूम दियां टूटियां, गैस बर्नर आदि उत्ते क्रोमियम दा मुलम कारण कीता जांदा है। हेठ लिखे कथनां विच्चों केड़ा कथन क्रोमियम लई सच नहीं है। तो इसका आंसर है जी क्रोमियम चमकदार हुंदा है, क्रोमियम चमकदार हुंदा है, एक कथन जेड़ा सच नहीं है। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 24, सर्कट विच बिजली दा प्रवाह हुंदा रहे इसलिए हेठां दित्ते सर्कट विच जोड़ी गई लोहे दी किल दी थां की वरत्या जा सकता है। इस आंसर है जी ग्रेफाइट वरत्या जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अज अध्यापक ने अपने चार विद्यार्थियों नू साइंस लैब विच चुंबकी सुई लियाउण लई कहा, विद्यार्थी हेठ विखाए अनुसार जंतर लैके आए हैं, किहड़े विद्यार्थी ने सही जंतर की चोण की है। सब तो पहला आ गया अमनजोत, यह वाला जंतर लैके आया। उस तो बाद आ गया रोहनी ने यह वाला जंतर लिया। उस तो बाद आ गया जी मीरा, मीरा ने यह वाला जंतर लैके आई है, और गगनदीप ने ए वाला जंतर है। तो इन्हों सही जंतर कौन लैके आया, इसका नाम जी मीरा, बिल्कुल सही जंतर
ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੋ ਦਰਵਾਂ ਐੜਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਬਲਬ ਦਾ ਦਰਵ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਵ ਬੱਬਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਵ ਐੜਾ ਦਰਵ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਿਖਾਏ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਰਥ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਛੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਲਬਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਲਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ LED ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। LED ਸਧਾਰਨ ਬਲਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਬਲਬ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੋ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਸ਼ੀਦਤ ਪਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।